गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। हाउ आर यू ऑल? सो कैन यू रिमेंबर एनीथिंग आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर? दिस इज वन ऑफ माय ब्यूटीफुल ड्रेस एंड व्हाट आई हैव डन, आई हैव केप्ट अ बंडल ऑफ 10 मैथ स्टिक्स इन माय वन पॉकेट एंड 2 मैथ स्टिक्स इन माय अदर पॉकेट। जो 10 मैच स्टिक्स हैं उनको मैंने नीचे अच्छे से टाई किया हुआ है। तो वी टोल्ड यू अर्लियर कि व्हेन देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 10 थिंग्स टुगेदर इट बिकम्स 110। 10 चीज़ों का एक ग्रुप अगर इकट्ठा है तो वो क्या बन जाता है? 110। और दूसरी पॉकेट की जो मैच स्टिक्स हैं वो 2 अलग अलग हैं, तो दैट आर 2 वंस। सो व्हेन वी विल ऐड देम व्हाट विल बी आवर आंसर? 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। 10 इन योर माइंड, 2 ऑन योर फिंगर्स, 11, 12। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पिक्चर। सो डियर चिल्ड्रन, व्हाट कैन यू सी अगेन? यू कैन सी अ ग्रुप ऑफ 10 स्केचेस टाइड टुगेदर। तो अगर 10 स्केचेस का एक ग्रुप अच्छे से टाई हुआ है तो दैट बिकम्स 110s। जैसे आपके हाथों की 10 फिंगर्स हैं, ठीक है, तो इट इज 110। नाउ कैन यू सी द पिक्चर? हाउ मेनी टेन्स आर देयर? देयर आर ग्रुप ऑफ 2 पेन्स, राइट? 2 अलग अलग बंडल्स हैं, दोनों बंडल्स में 10 पेन्स हैं, एक में 10 पेन्स और एक में 10 स्केचेस, तो इट विल बिकम 210s। 210s means एक बंडल में 10, दूसरे बंडल में 10। 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। इसी तरह बेटा अगर यहाँ मैं एक बंडल और 10 का ऐड कर दूँ, इट विल बिकम 310s। 4 हो जाए तो 410s। 410s means 40। 310s means 30। अगर 6 बंडल्स हों 10 के ग्रुप के, तो इट विल बिकम 60। सो नाउ व्हाट कैन यू सी? We can see bundle of 2 again of 10, 2 groups and 2 बिल्कुल अलग रखे हुए हैं pens. So 2 tens plus you can see 2 pens that are kept individually, दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है, थीके? तो उनको हम क्या बोलेंगे? 2 ones. हमारे 2 bundles हैं, that becomes 2 tens plus 2 is equal to 22, 20 in your mind, 2 on your fingers, 21, 22. So what can you see now? 4 bundles, और हर bundle में 10 items है, तो it is 410s, 410s means 40, 10. Now let's move to another picture. What can we see? We can again see bundle of 4, ठीक है, 4 tens, 1, 2, 3 and 4, और हर बंडल में 10 आइटम्स हैं, तो इट बिकम्स 410s। 3 पेन्स अलग रखे हुए हैं, तो डैट आर 1s, जिन्हें हमने बांधा नहीं हुआ है, तो वो कितने हैं? 1, 2, 3, सो 4 tens and 3 मेक 43, क्योंकि जो 4 का बंडल है वो बनेगा 40 प्लस 3, 40 इन योर माइंड, 3 on your fingers, 41, 42 and 43. So dear children, again another example, 6 tens, 4 ones. 6 एक अलग से rods हैं जिसमें 10 का group है और 4 बिल्कुल अलग है, तो 6 tens means 60 plus 4 ones, 60 plus 4, 64. Now what can we see? Again we can see 9 tens. These are 9 slides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और हर slide पे, और you can say हर rod पे 10 blocks हैं. तो 9 tens, और अलग से अगर आप इन blocks को count करें, how many blocks are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 9 tens plus 10 make 100. Dear children, what I want to explain you that whenever you write a number, suppose it is
22. ओके, तो वो 22 कैसे बना है? सबसे पहले तो कोई भी नंबर है उस पे वंस टेंस लिखने का हैबिट ज़रूर डालिए. द नंबर ऑन द राइट साइड इज ऑलवेज वंस और नंबर ऑन द लेफ्ट साइड इज टेंस. मींस जो नंबर हम जब शुरू कर रहे हैं, अगर टू डिजिट वाला हमने शुरू किया है, सपोज 22 है, तो हम पहले नंबर पे ऊपर डालेंगे टेंस और दूसरे वाले नंबर पे वी विल राइट वंस. जब आप टेंस की तरफ देखोगे और आपने देखा है टू टेंस, आपको समझ आ जाएगा टू टेंस मींस 20 प्लस वंस. में आपको पता चल रहा है आगे टू है, तो आप उसको एक्सपेंड आराम से कर सकते हो 20 + 2. सी द नेक्स्ट एग्जांपल 43. सी आई हैव रिटन टेंस एंड वंस ऑन द टॉप. ऑलवेज पुट अ हैबिट ऑफ राइटिंग टेंस वंस. अब आप देखो 4 के ऊपर टी लिखा है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 40 tens + 3. लास्ट एग्जांपल 56. हाउ मेनी टेंस आर देयर? 50. ओके, 5 tens इज इक्वल टू 50 + 6, 56. सो व्हाट यू हैव टू डू डियर चिल्ड्रन? Dear children, this is your exercise on page number 48 of book. I am going to do few examples. Rest you will do yourself. What we have to do? We have to write in short form. So our first question is 50 + 3. What does it mean? 50 + 3 means 5 tens + 3 ones. 50 + 3 kitna hoga? 50 in your mind and 3 on your fingers. 51. 52, 53. Your answer will be 53. Second example, 60 + 4 means 6 tens and 4 ones. 60 in your mind, 4 on your fingers. Our answer will be 64. 50 + 8, 5 tens, 8 ones. 58. Our answer will be 58. 70 + 3, 7 tens + 3 ones. Answer will be 70 in your mind, 3 on your fingers. 71, 72 and 73. Last one I am going to do for you. Rest you will do yourself. 70 + 9. 70 in your mind, 9 on your fingers. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 and 79. Your answer will be 79. Right? So rest of the examples you will do yourself. Now we are moving to our next exercise. Dear children, now what we have to do? We have to write in long form. तो नंबर देख के ही आपको पता चल रहा होगा. व्हाट्स आवर फर्स्ट नंबर? 94. तो मैम कैसे बोल रही थी 94 का क्या मतलब है? देखो इसमें 4 वंस है और 9 टेंस है. तो 9 टेंस मींस 90 + 4. नेक्स्ट वन 75. क्या पता चल रहा है? 5 वंस है और टेंस कितने? 7 टेंस. तो वी विल राइट 70 + 5. 82 मींस वी हैव 8 tens. 8 tens मींस 80. 80 + 2. 80 + 2, 82. 56 means we have 5 tens. 5 tens ka matlab 50. 50 + 6. 95 means we have 9 tens. 9 tens means 90. 90 + 5. Rest you will do yourself. Answer key will be shared to you very soon. Now move to our next exercise. Now we are moving to the third part of the page, fill in. So dear children, I hope आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि क्या करना है. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कुछ पार्ट दिया हुआ है, कुछ छूटा हुआ है, आपने उसको कंप्लीट करना है. So we can see 60 plus
डैश इज इक्वल टू 69. आपके पास टेंस लिखा हुआ है, आंसर आपको दिया हुआ है, तो वंस कितने हैं यहाँ पे जो 69 आंसर आया? इट्स वेरी इजी, थिंक 9. देयर आर 9 वंस. नेक्स्ट वन, डैश प्लस 4 इज इक्वल टू 54. इसके लिए बेटा आप आंसर देखोगे. अगर 54 आंसर आया हुआ है तो आपको पता चल रहा है कि वंस तो 4 हैं. 54 कैसे आया है, इधर क्या होगा? 50 अगर 5 दिख रहा है तो मीन्स 5 टेंस थे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 50. नेक्स्ट वन, 90 प्लस डैश इज इक्वल टू 96. यू कैन सी 96. 90 देख के पता चल रहा है 9 टेंस है, और आंसर देख के पता चल रहा है 96 अगर आया है तो वंस कितने थे? 6. तो आंसर विल बी 6. 90 प्लस 6 इज इक्वल टू 96. नाउ आई एम डूइंग द लास्ट वन फॉर यू. डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 51. आपको वंस दिखाई दे रहे हैं, वंस कितने हैं? 1. 51 आंसर से पता चल रहा है कि यहाँ टेंस कितने रहे होंगे? 5 टेंस. तो आंसर विल बी 50. रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ. So dear children, I have written one addition question and one subtraction question for you. You must be noticing कि मैंने tens ones specially mention किया है. ये बेटा हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आप कोई भी सम करेंगे, you will put your habit of writing tens and ones. अभी आप two digits वाले सम कर रहे हैं, suppose 16, तो आपको पता अब चल चुका है ones कौन सा होता है और number tens कौन सा होता है. The number on the right side means जो बाद वाला number है वो ones है और जो पहले है वो tens है. तो अगर आप देख रहे हैं 16, तो 16 का मतलब क्या है? इसमें 110 है प्लस 6 वंस है. जब भी टू डिजिट्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, ऑलवेज टेंस को टेंस से काउंट करते हैं, वंस को वंस से. 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9. मीन्स 6 इन योर माइंड, 3 ऑन योर फिंगर्स, 7, 8, 9. नाउ वी कम टू 1 प्लस 2, 1 इन योर माइंड, 2 ऑन योर फिंगर्स, 1, 2, 3. योर आंसर इज 39. I have written tens and ones on the top. Now we come to second sum. 36 minus 20. बेटा ये बड़े numbers हैं तो इनकी आप addition या subtraction ना lines लगा के कर सकते हैं ना fingers पे. तो इसलिए हम इनको कैसे करते हैं? Ones की ones से, tens की tens से. इसलिए हमेशा ऊपर tens ones लिखेंगे. 6 minus 0, 6. And 3 minus 2, 3 है. आप टू फिंगर्स खोलिए एंड काउंट बैकवर्ड, 2, 1. योर आंसर इज 16. सो आई हैव रिटन 16 एंड टी 0 ऑन द टॉप. टेंस एंड वंस ये हमेशा आप लिखेंगे. डियर चिल्ड्रन, यू हैव डन सो मैनी टॉपिक्स टिल नाउ. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, ऑर्डिनल नंबर, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन एंड कैरी ऑन द पैटर्न. We have covered all these topics. You will do this review worksheet on page number 45 of the book yourself. We will share you the answer key very soon. But first, you try to do it yourself. That's all for today. Bye-bye. Stay indoors. Stay safe.